पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कोविड एंड पोस्ट कोविड इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स विषय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सभाकक्ष में एक सेमिनार का आयोजन हुआ। इस सेमिनार का उद्देश्य कोरोना काल में लगातार 2 वर्षों तक ऑनलाइन क्लास में सम्मिलित होने से बच्चों के व्यवहार, उनकी शिक्षा, मनोदशा और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की गई। SR मीडिया सॉल्यूशन द्वारा जिज्ञासा हॉस्पिटल के सहयोग से इस सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक वर्मा, डॉक्टर CP सिंह, डॉक्टर ज्योति चौधरी, डॉक्टर KG गुप्ता, डिप्टी डायरेक्टर महिला कल्याण राजेश चंद्रगुप्त, डॉक्टर ऋचा त्यागी, डॉक्टर अनिल चौहान, डॉक्टर बबीता मेहरोत्रा, डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आदि ने प्रतिभाग किया। SR मीडिया सॉल्यूशन पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा है। इस संदर्भ में लगभग 30 अलग अलग विद्यार्थियों के विषय में आंकड़े एकत्र कर उन आंकड़ों और उन पर चर्चा की गई, जिस पर संबंधित चिकित्सक और अध्यापकों ने अपनी राय व्यक्त। सेमिनार में अध्यक्षता डॉक्टर CP सिंह ने की, संचालन डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा ने किया। SR मीडिया से रवि तिवारी ने उपस्थित सभी अतिथियों का धन्यवाद व्यक्त करते हुए आंकड़े साझा किए, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया। सेमिनार संचालन में SR मीडिया से संजीव ठाकुर, पंकज भटनागर, ब्रजेश कुमार पांडे आदि का सहयोग रहा। सेमिनार में उपस्थित सभी चिकित्सकों, सहयोगियों और अध्यापकों का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। सबसे बड़ा इशू और हमने देखा कि जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं उनके पास मोबाइल था ही नहीं, और जब मोबाइल ही नहीं था उनके पास कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं था कि वो ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर पाए, तो फिर उनकी क्लास तो बाधित रहेगी। तो आई थिंक ये जो डेटा आया है ये अप्रोक्स हम कह सकते हैं कि ये करेक्ट है। तो यहाँ पर पहला बिंदु निकल के आता है कि बच्चों के पास मोबाइल था ही नहीं, बच्चों के पास टैबलेट था ही नहीं, जिसके कारण से वो ऑनलाइन क्लास को अटेंड नहीं कर पाए। मेरी क्लास खुद मैंने अपनी क्लास में देखा कि अगर मेरी क्लास में 100 बच्चे थे तो उनमें से ओनली 50% बच्चे ऐसे थे जिनके पास मोबाइल था। तो जब ऑनलाइन क्लास नहीं हुई तो बाधित तो होगी। सेकेंड इशू आता है कि कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिनके पास मोबाइल अवेलेबल था बट उनके पेरेंट्स मॉर्निंग में 8 बजे मजदूरी पर निकल जाते हैं और उसके बाद रात को लौट कर आते हैं, तो यहाँ पर भी उनकी क्लास बाधित होना ऑब्वियस है कि उनको क्लास लेना पॉसिबल नहीं था। तो हमारे पास बहुत कम परसेंटेज ऐसा बचता है जहाँ पर हमारे बच्चे, और ये रेशो आया है 33% का, कि बच्चे एक रेगुलर मैनर में या एक प्रॉपर मैनर में क्लास को अटेंड कर पाए। बच्चे इंटरनेट पर गैजेट्स पर ज्यादा रहने लगे, और अब जो था जब टोटली क्लासेस ऑनलाइन थी, हम पूरी तरह से टैब्स एंड लैपटॉप्स एंड फोन्स पर निर्भर थे, तो बच्चों के पास एक इजी सा बहाना था पेरेंट्स को बताने के लिए भी कि मैं स्कूल का काम कर रहा हूँ। बट ये कहना नहीं, एडल्ट्स पे भी हो रहा है कि हम गैजेट्स पे खुद भी बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स की बात तो हम कर रहे हैं, अब ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सॉल्यूशंस बनाना चाहूँगी कि ये प्रॉब्लम तो है कि बच्चे गैजेट्स से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, पर इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि इस चीज़ से हमें बाहर आने के लिए बच्चों को थोड़ा नेचर की तरफ डालना पड़ेगा, क्योंकि नेचर खुद में एक हीलिंग प्रॉपर्टी रखती है। हम में से कितने लोग हैं जो खुद रेगुलरली पौधों को पानी देते हैं, पक्षियों के लिए पानी रखते हैं, चिड़िया से बात करते हैं, बटरफ्लाई से बात करते हैं। अगर आप अपने बच्चों में जाएं तो हम सब ने ये चीज़ें इंजॉय की हैं जो अब बच्चे नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं हम इस तरफ बच्चों को लेके जाएं तो हम इससे बाहर निकलेंगे, और जब बच्चा स्कूल जाता है फिजिकल फॉर्म में तो उसका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ाई के साथ साथ होती हैं जो फिजिकल फॉर्म में स्कूल में जाने की वजह से नहीं हो पाए, बट इस तरफ हमें अपने बच्चों को अग्रसर करना चाहिए। तो हम अपने परिवार में हमारे बच्चे तो वैसे ही जैसे पहले हम लोग काम कर रहे थे वैसे ही हैं, क्योंकि भगवान का शुक्र था कि हम लोग कोविड से बचे रहे और हमारे बच्चे सामान्य ही हैं। लेकिन हमारे जो कॉलोनी में हमारे जो परिवेश में बच्चे हैं वो सामान्य रूप से काम करते हैं और अपने घरेलू कामों में योगदान भी देते हैं यथासंभव, और खेल तो बच्चों का पसंदीदा काम है ही, बच्चे पढ़ने से ज़्यादा खेल में रुचि रखते हैं। लेकिन मैं इस सबसे हट के थोड़ा सा आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा विषय नहीं है, मैं जैसा पहले कहा कि सरकारी तंत्र में होने की वजह से मैं जो आज का विषय था पोस्ट कोविड और कोविड के विषय, तो हम ऐसे भी बच्चों के पास गए हैं जो बच्चे कोविड की वजह से अनाथ हो गए हैं,
या जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, मेरा व्यवहार और मेरा जो अध्ययन था उन बच्चों के बीच में ज्यादा रहा। इमोशनल पार्ट है वो बहुत ज्यादा इस टाइम प्रोमिनेंट हो गया था, किसी किसी के घर में कोई डेथ हुई है या हमेशा अंदर रहे जो उनके फ्रेंड्स के साथ कॉन्टैक्ट हो वो बंद हो गया है। तो बच्चों का हमेशा ही रहता था कि जब भी उनसे पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स हमारे पास भी आते थे, तो हम बच्चों से कुछ भी बात बोलते हैं वो हमेशा गुस्से में जवाब देता है, वो कभी आराम से बोलता ही नहीं। उसका एक रीज़न कहीं ना कहीं ये भी था बिकॉज जो पेरेंट्स पहले जितना टाइम दे पा रहे थे जब कोविड टाइम नहीं था, वो टाइम थोड़ा सा कम हो गया कि बच्चों को जो ध्यान मिलना चाहिए था, क्योंकि बच्चे अब ऑनलाइन क्लासेस के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम वो गैजेट्स पर ही रहते थे, उनकी पूरी वर्क जो थी वो गैजेट्स के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा था। जैसे मॉर्निंग में जो स्टार्ट गैजेट्स होते थे और जो उनका नाइट होता था बिल्कुल बेड टाइम पर उनका गैजेट्स चल रहा था। एंड जब इतना ज़्यादा कोई भी गैजेट एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन हो गया है, तो बहुत ज़्यादा एक होता है तो बच्चे का जो बिहेवियर में भी अफेक्ट करता है और उसकी डेली रूटीन पर भी अफेक्ट करता है। एंड बिहेवियर में उसमें सबसे ज़्यादा इरिटेशन देखने को मिलता है और स्लोली बच्चा अगर डिप्रेशन की तरफ भी जा रहा है तो उसमें जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। बिकॉज लॉकडाउन में सबसे पास बच्चे के पेरेंट्स हैं, तो इसीलिए पेरेंट्स कुछ भी बोलते थे तो बच्चे का हमेशा गुस्से में ही जवाब आता था, क्योंकि वो अपने आप को उस टाइम कंट्रोल ही नहीं कर सकता, वो अपने वर्चुअल वर्ल्ड में ही समय लेगा। एंड सेकेंड थिंग जो थी गलती करने पर, बिकॉज बच्चे को उस समय ये लगा ही नहीं कि उसने कोई गलती की है, इसीलिए वो कभी एक्सेप्टेंस उसमें आया ही नहीं, उसे हमेशा था बिकॉज जो गेम्स वो खेल रहे हैं उसमें हर चीज़ सही है। जैसे आपने बताया कि हीरो हमेशा राइट है, विलेन हमेशा रॉन्ग है, तो ये ग्रे एंड व्हाइट जो उनके बिल्कुल सामने हो गया है कि ये चीज़ गलत है ये चीज़ सही है, वो उससे बाहर नहीं आए। बिकॉज बाहर का वर्ड स्कूल में टीचर्स बताते हैं बच्चों को कि ये सही है ये गलत है, दूसरे बच्चे के साथ एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो टीचर फिजिकली बताता है क्लास के अंदर एग्जाम्पल देते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस में एंड वर्चुअली वो पॉसिबल नहीं है। एंड गेम्स की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा अभी अफेक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से उनका इरिटेबिलिटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बच्चे सैंपल साइज की बात फिर उसमें बैठ के बड़े विचार गोष्ठी रखेंगे कि आगे हम क्या कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए और बच्चों को कैसे अवेयर करें, कैसे उनको फिर से वापस लाएं जो प्री कोविड वाले टाइम की चीज़ें थी, जो उनका पढ़ने का तरीका था, जो उनका व्यवहार था, उनकी स्पोर्ट्स एबिलिटीज़ थी, तो ये थोड़ा सा टाइम टेक प्रोसेस है। सैंपल साइज बहुत छोटा है तो इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट करना या इसको एक तकलीफ की तरह मानना वो ठीक नहीं रहेगा। सैंपल साइज का इस तरह के सर्वेज में बहुत बड़ा अभाव होता है, या कोई भी इस तरह की स्टडी होती है भले मेडिकल फील्ड में हो या किसी फील्ड में हो, सबसे बड़ा जो फैक्ट होता है निकल के आता है वो सैंपल साइज से निकल के आता है। तभी इस पर हमें लंबा वर्क करना है, इसमें लोगों को और ज़्यादा जोड़ना है, और ज़्यादा स्कूलों को जोड़ना है, टीचर्स को जोड़ना है, पेरेंट्स को जोड़ना है, उनके इंटरव्यूज करने हैं, उनसे क्वेश्चनर सामने रखना है और उनसे जवाब लेना है। बाकी की चीज़ें पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।